Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This video for class KG is subject Hindi part 4. Students, as you know, your second assessment is going on. Today I will teach you last exercise of subjects Hindi. ठीक है, आज हम आपको आपका जो सेकंड असेसमेंट चल रहा है ना उसमें सब्जेक्ट हिंदी की लास्ट एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं. आपको तो पता ही है आपके दो वर्ड वाले सब, ये हिंदी की बुक है, इसमें दो वर्ड वाले सब आपके चल रहे हैं. तो ये आपकी बुक का ये वाला पेज है, देखिए इसमें जो ये लिखा है इनको मिला मिला के आप पढ़ने की प्रैक्टिस कर लीजिए. क्या है? र स रस च ख च रस च, इस तरह से पढ़िए. ठीक है, लड़ लड़ मत मत लड़ मत. ठीक, खत खत पढ़ पढ़ खत पढ़ जल जल भर भर जल भर घर घर चल चल. ठीक, घर चल टब टब रखा रख टब रख. ठीक, इसी तरह ये पूरा यहाँ पे लिखा है, यकर हल रख रथ पर चढ़ अब मत बन गज पर चढ़ डर मत फल चढ़ पथ पर चल जल भर कर चल टब भर कर रख अब चल अब पढ़ कल घर चल एक नथ रख सब धन रख. हाँ, और नीचे ये बड़े बड़े थोड़े अक्षर है, छत पर रस रख छत पर रस रख, ये पूरा एक वाक्य है बड़ा सा. खत पढ़ तब जप कर, खत पढ़ तब जप कर उठ वन तब चल. ठीक, तो इस तरह आप इनकी पढ़ने की प्रैक्टिस करिएगा. और ये आप ये एक्सरसाइज दी है, यहाँ ये ना प्लस रा और इक्वल, तो ये जोड़ के आपको लिखना है नर. ये जैसे यहाँ पे आपने नर लिख दिया, अब यहाँ पे आपको मैचिंग भी करनी है. ठीक है, ये नर बना है तो इससे लाइन को आपको यहाँ पे मिलाना है. लठ लठ और लठ यहाँ लिख के यहाँ लठ से मिलाना है. जड़ 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 लिख के यहाँ जड़ से मिलाना है. एक एक से यहाँ मिलाना है. ठीक है, बस बस ये बस बनी है, बस से मिलाना है. पता पत्र पत्र को यहाँ पे मिलाना है, ये है ना, इसके अंदर खत भी बोलते हैं पत्र भी बोलते हैं. पथ 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 मीन सड़क रोड. हाँ, तो ये पथ सड़क पे चल रहा है मेरा का पथ. ठीक, चलिए इससे हम और एक्सरसाइज करते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग अक्षर में एक ही अक्षर जोड़ के कैसे शब्द बनते हैं. ठीक है, तो ये हमने अलग अक्षर लगाया है स का र. हाँ, अब इसी स में अगर हम जोड़ देंगे बा तो क्या बनेगा? ना और सा मिलाएंगे क्या बनेगा?
नस और ब और सा मिलेगा तो क्या बनेगा बस। अब इसी तरह प और ना मिलाएंगे प और टा मिलाएंगे करनी है और हमको लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका ये सेकेंड असेसमेंट का सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई है हिंदी में, तो आप इनको फिर से रिवीजन करिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा। कौन कौन सी थी इसमें एक्सरसाइज, अक्षरों को जोड़ के शब्द बनाओ, भिन्न शब्द छाट के अलग लिखो, चीज देख के नाम लिखो, सही शब्द छाट के खाली जगह भरो, वो आप आज ही जो कराइए बोले शब्द बनाइए और चित को सही सबसे मिलाइए, जो चित्र है उनके सामने उनको मैचिंग करनी है और चित्र देखकर सही शब्द पर गोल लगाइए। इतनी आपकी ये एक्सरसाइज है, तो आप इनका अच्छे से रीडिंग करिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।